देखिए भाई, ये है बंदूक या रिवॉल्वर के कि नीचे तक, और पूरा लोहे का होता था कई किल। ये म्यूजियम है भाई, लेकिन वो बता रहा है मुझे कोई के अंदर जो है ना फोटो शूटिंग वगैरह अलाउ नहीं है। देखते हैं अभी आगे जाके क्या अलाउ करते हैं नहीं करते हैं। तो गाइस हम म्यूजियम के अंदर आ गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं म्यूजियम के अंदर क्या क्या है और म्यूजियम कैसा है यहाँ का फिलहाल। बाकायदा इन्होंने जो है ना पूरी डमी बना के रख रखा है यहाँ पे समझाने के तौर पे लोगों को। एक ये है फतेह प्रकाश संग्रहालय, ये इसकी डमी है। देखो भाई ये है मेन, अंदर जो है ना मेन म्यूजियम ही है, अस्त्र शस्त्र का है ये सारा सेट, अरमौरी गैलरी दिखाते हैं आपको। देखो भाई ये पत्थर है, ये कभी इनके औजार हुआ करते थे। ऐसे ही इधर भी है छोटे छोटे पत्थर हैं, पॉलीलिथिक स्टोन। ये देखिए उस दौर के अस्त्र शस्त्र है, भाला जो भाला हुआ करता था उस टाइम पे। उस दौर में जो यूज होते थे तीर, जिन्हें बोलते हैं ना आजकल हम मूवी के अंदर देखते हैं उसके तीर लगा, तो वो ये लगा, ये है तीर। वो अलग अलग तरह के हैं, देखो तीर कमांड है। गुर्ज भी कहते हैं, अंकुश भी कहते हैं, कुछ होता होगा हथियार ही है ये भी एक तरह का। और भाई ये देखो आप तलवार है, जबरदस्त तलवार है, खूबसूरत। देखो भाई तलवारें हैं यहाँ पे, बहुत कुछ है यार म्यूजियम के अंदर देखने के लिए, आप देख सकते हैं। देखो भाई यहाँ पे तो उस टाइम तलवारें हैं, अभी और देखते हैं ऊपर क्या क्या है। अरे बहुत कुछ है यहाँ, अरे वाह जबरदस्त, मैथलॉक गन्स, तोड़ेदार बंदूकें। बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, मतलब हमने मूवी भी नहीं देखी आज बड़ी बड़ी बंदूकें। तो देखो गाइस जलवा था यार उनका भी।
देखो, ये ढाल है और ये तलवारें हैं। गजब यार, संगीन एमएम ढाल, शील्ड विद बायोनेट। ये है बारूदानी, इसके अंदर बारूद होता था, बारूद रखते थे इसके अंदर स्पाइन में, जो गन वगैरह में यूज़ होता था तो वो इसके अंदर रख के अपने पास साथ लेके जाते थे। और ये देखिए भाई, ये है बंदूक का रिवॉल्वर, रिवॉल्वर है। क्या शानदार शानदार यार, जबरदस्त। ये बंदूकें हैं पुराने टाइम की, और ये जो है बंदूकों की नाल है, इन वाले की नहीं है, बड़ी वाले की, मतलब इतनी बड़ी बड़ी नाल। यार आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो उस टाइम युद्ध होते थे वो क्या होते होंगे। यार मैं कहता हूँ कि जो मूवीज में दिखाते हैं ना, वो भी शायद उस लेवल का नहीं दिखा पाते जो रियल में होता होगा। देखो यार, ये है जागनोल, जागनोल को कहते हैं हथियारों में जागनोल। अरे यार, कैसे कैसे हथियार है यार, बहुत जबरदस्त हथियार है भाई। देखो भाई, ये उस टाइम का जो है ना हेलमेट हुआ करता था, हेलमेट लिखा हुआ है इस पे, जीरे बख्तर भी है और इंग्लिश में कहते हैं हेलमेट। जब युद्ध पर जाते थे उस टाइम फौजी पहन कर जाते थे। देखो भाई, ये है जहांगीर काली कवच, कालीन इसका नाम है, जहांगीर काली कवच। देखो भाइयों, जो हेलमेट दिखाया है इन्होंने भी, वो ऐसे पहनते थे जब जंग पर जाते थे, तो इस तरह ऊपर से लेके नीचे तक, और पूरा लोहे का होता था, कई किलो वेट होता था इसका। इसे पहनने के बाद जंग करते थे लोग, युद्ध करते थे। ये हेलमेट है रियल, जैसे हमारा होता है, लेकिन ये भी शायद लोहे का, चांदी का इस तरह है, और एक ही होता है, ये भी हेलमेट ही है। देखो ये हेलमेट ही होता है, पूरा मुंह पे आता है, ये जो इसमें ऐसे निशान है ना, ये आंखों के लिए है बोला, बाकी पूरा हाँ लोहे का है। ये पूरा उसका दिखाया हुआ है इन्होंने, किले का डेमो। हम भी तो ऐसे ही गए थे ना, ऐसे हम नीचे से ऊपर ऑटो में गए हैं, और यहाँ से फिर हम वापस ऊपर गए हैं किले पे। ये डेमो बनाया हुआ है इन्होंने किले का। तो भाइयों, म्यूजियम में तो हम आ गए हैं, काफी कुछ देख लिया म्यूजियम के अंदर, अभी शायद इतना ही है फिलहाल। बाकी इन्होंने क्या किया हुआ, सारा बंद किया हुआ है, ताले मारे हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मामला है इस वजह से बंद किया हुआ है फिलहाल। इतना ही खुला हुआ था, जो जो हमने देख लिया, जो आपको दिखा दिया। किला है पूरा दिखा नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है, कई दिन चाहिए दिखाने के लिए। तो हमारी ट्रेन है फिलहाल आज की, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।